चुड़ैल या एक साया उनको अक्सर पेड़ों पर नजर आता है और गाइस मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर जितनी बार भी आया हूँ ना, हर बार इस रूम के पास में आने के बाद ही ये आवाज सुनाई देती है। जब भी वो वहां से निकलते थे तो पेड़ों पर ऐसा लगता था कि कोई चीज बहुत तेज हमें झूल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर उस हॉन्टेड रोड पर, जहाँ पर मैं इससे पहले यहाँ की वीडियो बना के जा चुका था। कहानी क्या है आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को बता दूँ भाई, एक ये रोड है और यहाँ के गाँव वालों के मुताबिक उनका कहना है कि एक चुड़ैल या एक साया उनको अक्सर पेड़ों पर नज़र आता है। और रात में ही ऐसा कुछ हुआ था कि चार पांच लोगों का कुछ ग्रुप ऐसे यहाँ से निकल रहा था, एक बंदा था जो पीछे पीछे चल रहा था, उसको अचानक ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बेहोश हो गया एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसको वो लोग वापस वहाँ से उठा के ले गए, उसको काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया था तकरीबन हफ्ते दो हफ्ते तक। एंड जब वो वापस आके उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि वहाँ पर कोई एक अजीब सी चीज़ थी जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और वो उसको देखकर बेहोश हो गया था। और गांव वालों के मुताबिक भी ऐसा कहा जाता था कि वो जो चुड़ैल है, जो चीज़ है, वो अक्सर उन लोगों को पेड़ों पर नज़र आती थी। एंड कहते हैं कि जब भी वो वहाँ से निकलते थे तो पेड़ों पर ऐसा लगता था कि कोई चीज़ बहुत तेज़ वहाँ पे झूल रही है। एंड एक दो बार उनको ऐसा भी लगा कि शायद कोई पेड़ वेड़ टूट कर नीचे की तरफ गिर गया है, जिसका सबूत मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाया था। तो दोबारा चलते हैं। एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि भाई, एक भाई है जिन्होंने कमेंट भी किया था, मेरे को मैसेज भी किया था कि भाई आप इतनी बड़ी लाइट लेके चले जाते हो, इतनी बड़ी लाइट से कहाँ ही आपको भूत प्रेत का एहसास फील होगा, कहाँ कुछ होगा। तो भाई मैं आज एक छोटी सी टॉर्च लेकर आया हूँ और टॉर्च के बदौलत ही, मैंने टॉर्च ऊपर रखी हुई है गाड़ी के ऊपर और उसके बदौलत ही यहाँ पे एक ये इंट्रो ले रहा हूँ। और उसके बाद आगे चलूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो टॉर्च बहुत नॉर्थ एक आवाज़ सी है भाई। छोटी सी टॉर्च के मुताबिक यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो पहले तो मैं ना फटाफट से भाई, जिन भाइयों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लो। और मैं टॉर्च उठाता हूँ और आप लोगों को यहाँ का व्यू पे आगे लेके चलता हूँ। देखो एक अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई, भाई मैं टॉर्च उठाता हूँ, देखते हैं कि क्या है ये चीज़। भाई बोर्ड हिल रहा है भाई, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये बोर्ड हिल रहा है और शायद इसी की आवाज़ आ रही थी। लेकिन आसपास में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और एक छोटी ये टॉर्च है जिसके बदौलत मैं यहाँ पर इस सड़क पर जाने वाला हूँ, यहाँ पर आगे की तरफ में, और ये देखने के लिए कि जो भी चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर इस बोर्ड में, पता नहीं क्यों दोस्तों हलचल सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई इस चीज़ इसके ऊपर जैसे बैठ रही हो और उसके ऊपर से कूद जा रही हो और ये बोर्ड बहुत तेज हिल रहा है। और अभी मैं इस रोड के अंदर अभी गया भी नहीं हूँ और ये आवाज़ आ रही है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ में, देखते हैं कि कोई चीज़ जिसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, वो चुड़ैल जो पेड़ों के ऊपर नज़र आती है, वो आज हमको नज़र आती है कि नहीं आती। क्योंकि लास्ट टाइम एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप इतनी बड़ी टॉर्च लेके चले जाते हो और आपको क्या ही वहाँ पे फील होगा, क्या ही कुछ नज़र आएगा। तो भाई एक छोटी सी टॉर्च लेकर आया हूँ, इस बार रिस्क काफ़ी बड़ा उठा लिया है मैंने, लेकिन फिर भी चलते हैं इस सड़क पर और आप लोगों को सबूत भी दिखाऊँगा कि वो जो पेड़ वगैरह टूटे पड़े हैं लोगों के मुताबिक। कोई चीज़ है आसपास में एंड वो जो लाइट जल रही है वो तो गाड़ी है, ऐसा लगा इस पेड़ पे कोई चीज़ थी। फिर दूसरी तरफ में वैसे पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसा लग रहा है पेड़ इस सड़क पर अंदर घुस इस सड़क पर घुसते ही कुछ यहाँ पर हलचल सी महसूस हो रही है भाई। थोड़ा सा आगे चलते हैं,
तो भाई मैंने टॉर्च का थोड़ा सा अपीयरेंस बड़ा कर लिया, क्योंकि ना दूर तक देख पाना, अगर दूर से ऐसे करूँ तो नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसका अपीयरेंस थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि हर चीज़ मैं यहाँ पे प्रॉपर देख पाऊँ, क्योंकि मैंने रिस्क तो ले लिया है एक टॉर्च के बदौलत यहाँ पर आने का, लेकिन सच में रिस्क हो रहा है। कौन है? कोई चीज़ ऐसा लग रहा है, कोई चीज़ साथ साथ में चल रही है मेरे, और वो चीज़ वहाँ पे फील हो गई थी। लाइक जैसे ही मैंने अभी उसके अंदर एंटर भी नहीं हुआ था इस सड़क में मैं, और वो बोर्ड के ऊपर एक वो जो हलचल थी, मेरा ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की तरफ ही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो जो चीज़ है अक्सर पेड़ों के ऊपर ही नज़र आती है। और सच बताऊँ तो घबराया हुआ हूँ, डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, बट क्योंकि वीडियो करनी है आप लोग, ओ भाई, ओ भाई बहुत कम कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी टॉर्च लेता हूँ यार। भाई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरी टॉर्च ऑन करी है, और पता नहीं क्यों हो रहा है कि इन पेड़ों के पास में ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आसपास में ही चल रही है मेरे। भाई वहाँ पे क्या है भाई? ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई चीज़ खड़ी है, एंड ओ भाई ये क्या है? कौन है? भाई पता नहीं क्या चीज़ है भाई, एक ऐसे लगा कि जैसे वहाँ पर कोई चीज़ है और उसके बाद यहाँ पे पेड़ पे ही हलचल होना। तो भाई ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि ये चीज़ रोड जो है हॉन्टेड की गिनती में शामिल है यहाँ के लोगों के मुताबिक, और जैसा कि यहाँ की कहानियाँ लोगों ने बताई हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसको नज़रअंदाज कर पाना भाई, पेड़ ऐसा लग रहा है उसकी टहन, ये देखो इसकी टहनी, ऐसा लग रहा है कि सीधा झुक के नीचे की तरफ में आ रही है, जैसे टहनी के ऊपर कोई बैठा हुआ हो। थोड़ा सा नीचे ध्यान देके और चलते हैं भाई। और जो मैं सबूत आप लोगों को दिखा रहा था कि भाई ये देखो ये पेड़ एक यहाँ पर, ये टूटा हुआ पेड़ है, कहते हैं कि लास्ट टाइम उनको वो चीज़ इसी जगह पर नज़र आई थी, और यहाँ पर एक कौन है यहाँ पर? भाई ये क्या हो रहा है यार? कौन है? दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये पेड़ों पर अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, अजीब अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो पा रही हैं। और एक और पेड़ जो आगे की तरफ में टूटा हुआ है, जिसके पास मैं लेके चल रहा हूँ, जो कि एक पीपल का पेड़ बताया जाता है, भाई ये देखो, कोई भी नहीं है, लेकिन अब देखो सारी चीज़ें शांत हो चुकी है, जैसे ही मैंने कैमरा पीछे की तरफ किया है। आगे चलते हैं यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चीज़ मेरे को अंदर जाने से रोक रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जैसे ही वो बोर्ड पे हलचल हुई थी ना, तभी मेरे को कुछ अजीब लगा था और कुछ फील हुआ था यार। बाकी और अंदर की तरफ में चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि एक छोटी सी टॉर्च सिर्फ लेकर आया हूँ,
और फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो कुछ हो सके वो दिखाने की। एक प्लेन जा रहा है ऊपर से तो उसकी आवाज़ है, बाकी ये जो बरसाती मेंढक निकले हुए हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं। और यहाँ पर एक ये पीपल का पेड़ भाई, जो कि बताया जाता है कि एक बार उन लोगों को वो चीज़ इस यहाँ पर भी नज़र आई थी, ऐसे प्रॉपर इस जगह पर जहाँ पर लाइट पड़ रही है उस जगह पर प्रॉपर वो चीज़ खड़ी हुई नज़र आई थी। और भाई चल रहा हूँ आगे की तरफ में, और भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये पेड़ की जो टहनी है ये साथ साथ चल रही है। ये पेड़ तो इस तरफ में, इस पे कोई हलचल नहीं है। जैसे ही मैं कैमरा पीछे की तरफ में कर रहा हूँ ना, सारी हलचलें शांत हो जा रही है, लेकिन अभी जैसे मैंने कैमरा ऊपर किया था ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई टहनी, ये देखो, जबकि यहाँ पर ना ये पेड़ इस तरफ में है। ये टहनी कहाँ गई यार, ये पेड़ तो एक इस तरफ में है, अभी एक टहनी इस तरफ में ऊपर नज़र आ रही थी। बहुत अजीब है। और एक रूम है यहाँ पर, शायद ट्यूबवेल है, क्या है वो नहीं पता, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को नीचे जाके दिखाया था, लेकिन इस बार मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि आवाज़। गाइज मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पर जितनी बार भी आया हूँ ना, हर बार इस रूम के पास में आने के बाद ही ये आवाज़ सुनाई देती है। अब पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये देखो आप लोगों को ये रूम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ही ये आवाज़। क्या है यार, दोस्तों ये बहुत अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ साथ में चल रहा है। और एक आवाज़ आई थी बहुत ही भयानक अभी यहाँ से, और ये पेड़ एक इसके साथ में है। और मेरा अक्सर ध्यान सिर्फ यहाँ पर आने के बाद सिर्फ पेड़ों के ऊपर ही होता है, क्योंकि मेरा हर बार ये दिमाग में होता है कि कहीं कोई चीज़ मेरे को पेड़ के ऊपर ना नज़र आ जाए। ऐसे ये बहुत खतरनाक, और सच बत ये देखो एक भायल की आवाज़ आ रही है, जैसे साथ साथ कोई चल रहा हो। एंड अभी मैं रुका हुआ हूँ तो वो चीज़ भी शांत है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ एक बार, फिर देखते हैं पायल की आवाज़ आती है कि नहीं आती। ये देखो दोबारा वही पायल की आवाज़। पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये कुछ चीज़ पेड़ के ऊपर तो है नहीं। देखें आप जो कोई भी हैं, जिसकी भी ये सारी गतिविधियाँ मैं देख पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ, मैंने भी आपकी आवाज़ भी सुनी थी, क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? ये क्या हुआ यार, शिट, कीड़े आ रहे हैं यार मुंह पर, और ये आवाज़ आई थी अभी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा रही है दोस्तों इस जगह पर। और सच बताऊँ तो मेरे यहाँ पे आने का सिर्फ वो ही मोटिव था कि भाई उस भाई ने बोला था कि आप बड़ी लाइट लेकर मत जाना, एक छोटी लाइट लेकर जाना, फिर देखना क्या होता है। और यहाँ तक आने के बाद भाई जो कुछ है वो सब कुछ आप लोगों की नज़रों के सामने है। और सच बताऊँ मेरी इससे ज़्यादा यहाँ पर रुकने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इस टॉर्च, ये एक छोटी सी टॉर्च, इसके बदौलत
मैं भाई पूरी रात यहाँ पे नहीं निकाल सकता क्योंकि कुछ नहीं पता इस लाइट का कि कब बंद हो जाए, क्या यहाँ पर हो जाए। बाकी जो यहाँ पर जो आवाज़ें हैं वो क्लियर दो बार सुनाई दी हैं, और एक पायल का साउंड जैसे ही मैं चल, ये देखो दोबारा वही आवाज़। पिछली बार भी भाई यही आवाज़ मेरे को सुनाई दी थी, और इस बार भी यही, जितनी बार भी मैं यहाँ पर इस रूम के आसपास आता हूँ ना, हर बार ये आवाज़ें मेरे को सुनाई देती है। लास्ट टाइम में मैं नीचे उतर के गया था, लेकिन मैं इस बार नहीं जाऊँगा क्योंकि देखो यहाँ पे पानी वगैरह है, क्योंकि बरसात वगैरह भी है, तो सांप वगैरह छोटे मोटे कीड़े वगैरह का रिस्क है, तो वो मैं रिस्क नहीं उठाऊँगा। बस एक चैलेंज था कि भाई ने बोला था कि भाई अब एक छोटी लाइट लेकर वहाँ पर जाओ और देखो क्या होता है। ओह शिट, देखें आप जो कोई भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको परेशान करने या नुकसान पहुँचाने नहीं आया था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। ऐसा लग रहा है इस पेड़ के आसपास में ही कुछ तो है, या इस घर के आसपास में जो कि इसके नीचे है, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा सा आगे हटना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर कोई हमला हो जाए या कुछ बात हो जाए ना, तो यहाँ पर दूर दूर तक मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। पीछे रोड देख रख सकते, घबरा रहा हूँ, पीछे रोड देख सकते हो आप लोग, पूरा खाली वीरान रोड है, एक लाइट तक नहीं चल रही है, और नीचे एक ये रूम है जो कि काफ़ी डरावना सा लग रहा है। वापस चलता हूँ भाई पीछे की तरफ में। सिर्फ एक चैलेंज के रूप में ये वीडियो थी कि जिस भाई ने मेरे को एक चैलेंज दिया था कि भाई आप छोटी लाइट लेके जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ वो चैलेंज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरा यहाँ पर दोबारा आने का ना कोई मकसद था और ना मैं यहाँ पर दोबारा आना चाहता था, क्योंकि सच बताऊँ मेरे को आज तक इतना डर किसी लोकेशन पर नहीं लगा जितना डर यहाँ पर लगता है। क्योंकि भाई सीधा सीधा सबूत यहाँ पर यही मिलता है, जैसे कि ये पीपल का पेड़ है, ये टूटा हुआ है, और गाँव वालों के मुताबिक ये उस चुड़ैल के द्वारा तोड़ा गया, क्योंकि कहते हैं कि वो यहाँ पर बैठ के ना ऐसे तेज तेज ऐसे झूला झूलती हुई वो ऐसा लगा कि कोई देख रहा है यहाँ से। मैं जाके पढ़ता हूँ, वापस गाड़ी की तरफ में चलते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई वहाँ पर ठीक जहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहाँ पर अभी कोई था, आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, बट ऐसा लगा पता नहीं वहाँ पर कोई चीज़ खड़ी थी। मैं वापस चल रहा हूँ यार, ये देखो ये पायल की आवाज़ थी, वही ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ पीछे पीछे चल के आ रही है। एंड मैं दोबारा एक बार फिर जैसे लास्ट टाइम किया था झटके से कैमरा घुमाता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी दिखे तो आप मेरे को जरूर बताना यार। निकलने तो यार यहाँ से, वैसे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, रिस्क है। और जो मैं हर लोकेशन पे अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि छीना झपटी करने वाले, चैन स्नेचर्स, लूटपाट करने वाले, ऐसे लोगों का खतरा होता है, तो ऐसी जगह पर भाई वो लोग भी हो सकते हैं। एंड ये रहा वो पेड़ जो जिस पेड़ पर लास्ट टाइम उनको वो चीज़ नज़र आई थी, और ये पेड़ की हालत आप लोग देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ कितनी ही बड़ी और कितनी ख़तरनाक होगी जिसने इतने बड़े पेड़ को तोड़ दिया। और अभी वहाँ पे एक हल्की सी हलचल सी हुई थी, शायद हो सकता है हवा की वजह से हो, लेकिन यहाँ से निकलते हैं बस थोड़ी दूर और भाई यहाँ से निकलते हैं। कह रहा हूँ ना वो चीज़ बार बार पीछे की तरफ में आ रही है चलते हुए, तो यहाँ से निकलते हैं यार। वो गाड़ी की सामने की तरफ नज़र आने लग गई, यहाँ से निकलते हैं यार।
मैं वहाँ से निकल के ना मैं बाहर की तरफ में आ गया हूँ। हालत आप लोग देख रहे हो, पसीना पसीना हो गया हूँ। एक तो गर्मी भी है और दूसरा यहाँ पे डर की वजह से, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं है यार। एक्चुअली हर चीज़ को देख पाना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे हम टॉर्च डालेंगे सिर्फ वो जगह हमको नज़र आएगी, दूसरी जगह नज़र नहीं आ पाती। और जो यहाँ पर एहसास हुई, जो फीलिंग हुई कि हर बार ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के ऊपर हलचल हो रही है, कुछ ना कुछ है। और जो लास्ट में वो उस रूम के पास पहुँचने के बाद जो आवाज़ें आती है ना, जो पिछली बार भी वीडियो में आई थी, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, आप उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि पिछली जब भी लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पर जब गया था तो एक भयानक चीखने की आवाज़ सुनाई देती, और इस बार भी वही आवाज़ सुनाई दी, और हर बार ऐसा लगे कि वो चीज़ मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो भाई ये चीज़ अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती, वो चीज़ काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, काफ़ी भयानक हो सकती है। और अगर उसने मेरे ऊपर पॉजेस होने की कोशिश करी या हमला होने करने की कोशिश करी तो इस टाइम मेरे पास सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसा रिस्क मैं बिल्कुल नहीं उठाना चाहता था। तो बस एक ये चैलेंज के तौर पर थी उस भाई के लिए, कि जिस भाई ने मेरे को बोला था कि भाई आप बड़ी लाइट लेके चले जाते हो तो आप छोटी लाइट लेके जाओ और देखो कि वहाँ पर क्या होता है। तो भाई छोटी लाइट लेकर आ गए, और छोटी लाइट लेके आने के बाद यही होता है कि भाई हमको ना कोई प्रॉपर चीज़ प्रॉपर जगह दिख नहीं पाती, हम प्रॉपर जगह तक नहीं पहुँच पाते। बड़ी लाइट हम इसीलिए लेके जाते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट पूरी जगह दिख सके और आप लोगों को भी वो जगह दिखा सके। तो भाई दोबारा से मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि इस तरह का चैलेंज यार मत देना, क्योंकि ऐसा रिस्क होता है यार काफ़ी ज़्यादा कि छोटी लाइट लेके जाना और ये सब करना। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और चैलेंज हो, जैसे कोई हॉन्टेड गेम चैलेंज ट्राई करना हो, या हॉन्टेड लोकेशन कोई आप मेरे को विजिट करना चाह रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट करके या DM करके मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 2 बज रहे हैं, और मेरे को यहाँ से वापस काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मेरे फेसबुक पेज पांडे जी को फॉलो जरूर कर देना, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम भी शो हो रहा है आप लोगों को, इंस्टा ID को भी जरूर फॉलो कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जगह पर, कोई हॉन्टेड सी वीडियो लगा। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।